जीवलोके जीवभूते सनातना आम सृष्टानि इंद्रियाणि तपति स्थानि कर सकी। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय नमो नमः। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम ईधन वेगम सर्वम दिनम सासिस्य। गीता से वेदों से और गोस्वामी का ग्रंथ से रामायण पढ़ते हो और बच्चे को रामायण पढ़ाते हो? बोले नहीं। बोले जो रामायण पढ़ेगा नहीं और बच्चों को रामायण नहीं पढ़ाएगा उसको यही दुर्गति भोगना पड़ेगा। क्योंकि रामायण पढ़ते रामायण में लिखा हुआ क्या लिखा हुआ, प्रात उठ ही रघुनाथा और मात पीत गुरु नाम। भगवान सवेरे उठ करके सबसे पहले पिता माता की पूजा करते थे, चरण वंदना करते थे, पिता माता की सेवा करते थे, लास्ट में ओल्ड हाउस में खुल देते और साल में एक बार जा करके त्यागू वगैरह आ जाएगी। अगर चाहते हो हम घर में रहे बच्चे हमारी सेवा करे, क्या करो, पहले खुद हरिनाम करो, गले में कंठी पहनो, तिलक लगाओ, खुद हरिनाम जप करो और बच्चों को भी बोलो तुम भी एक माला जप करो, तुम भी एक माला जप करो, तुम भी थोड़ा गीता रामायण पढ़ो, तुम भी थोड़ा भगवान की भक्ति करो। बोले बच्चे बात नहीं सुनते, बच्चे बात नहीं सुनते, जब उसको जोर जबरदस्ती तुम भेज रहे हो, बच्चे को जब तुम जोर जबरदस्ती उसको कॉलेज में भेजते हो, स्कूल भेज रहे कि नहीं देखना, जब पेपर आ जाए ना पिता माता क्या करता है, सबरे सबर उठा करके पढ़ाते हैं उसको, सबरे सबर उठा करके पढ़ाते हैं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जब हर चीज में उसको जोर जबरदस्ती कर सकते हो और इतने लिखे पड़े जाए लास्ट में तुम्हें लात मारते ही क्या भैया उसको नहीं बोल सकते हो, तो गीता का भी एक श्लोक पढ़, रामायण का भी एक श्लोक पढ़ो और एक माला जप करो, क्या इतना नहीं बोल सकते हो? इसलिए अगर आप चाहते हो हमारा घर भगवान के धाम बने, घर वृंदावन हो जाए, घर में शांति सुख बने रहे, क्या करो, खुद पहले खुद हरिनाम करो, पहले खुद नहीं खुद माला नहीं जप करके स्मार्टफोन में दिन भर लगे हुए दिन भर टीवी देख रहे हो, आप बोलोगे बच्चे को तू हरिनाम करो, अरे खुद तो माला जप करो, बच्चे सीखेगा कहाँ से, पहला गुरु तो पिता माता है, पहले संस्कार पिता माता से पड़ेगा, खुद करोगे नहीं, बोले बच्चों को बोले तू कर तू कर, बच्चे कहाँ सीखेगा, क्या करनी चाहिए, खुद पहले हरिनाम करो और बच्चों को भी बोलो हरिनाम करे, बच्चों को अंदर में अच्छी संस्कार आए। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं इसका साउंड था तेज कर दो तो बाबा, अब ऐसे माइक लाए ना सर गड़बड़ी सर, यहां पे तेज करो इसको, मैं सब पता मैं गुरु पास पास हूं, उन्होंने उसको पावर इसको का शिक्षण तक तेज कर लीला लीला जिस प्रकार हमने कल श्रवण किया गीता जयंती कल और हमने गीता जी के महात्म्य के बारे में, तो जो ये गीता है ये है क्या, अगर हम देखें तो ये जो गीता है ये कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है,
ये महाभारत महाभारत में ही अनेक बार है, उसमें जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया हुआ था कुरुक्षेत्र में, उसके उसमें ही एक पर्व है भीष्म पर्व, उसका उसी का ये एक भाग, उसी का एक भाग है। और अगर ये जो गीता है वो एक वैदिक एक वैदिक हमारा ग्रंथ है। अब गीता में क्या बताया क्या गया हुआ है, तो गीता में चार योगों का कर्मयोग ज्ञान योग है क्या, हम भक्ति की ओर अग्रसर नहीं हो पाएंगे, तो फिर प्रतिपादित विषय क्या है, प्रश्न उठता है, प्रतिपादित विषय जो है वो गीता का क्या है, प्रतिपादित विषय है भक्ति, यानी कि जो व्यक्ति है जब वो कर्म योग और ज्ञान योग इसको पूर्णता जान लेता है, उसके फल को जान लेता है, तो स्वतः धीरे धीरे भक्ति के मार्ग पे प्रशस्त हो जाता है, वो समझता है कि भक्ति उसे क्यों करनी चाहिए। अब प्रश्न प्रश्न आता है कि इसमें कितने श्लोक हैं, इसमें तकरीबन 700 श्लोक हैं भगवद गीता में, जिसमें 574 श्लोक भगवान कृष्ण ने कहे हैं, उसमें 84 श्लोक के करीब जो हैं वो अर्जुन ने कहे हैं, और 54 श्लोक के करीब जो हैं वो कहे हैं अर्जुन ने, और एक श्लोक जो करा हुआ है इन्होंने क्या कहते हैं धृतराष्ट्र ने करा हुआ है। अब एक खाली एक श्लोक का मैं आपके साथ अभी वर्णन करूंगा, जो सबसे प्रथम श्लोक है भगवद गीता का, वो क्या श्लोक है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र सामेत युद्ध सभा माम का पाण्डश्चैव किं कर्वा संजय। अच्छा धृतराष्ट्र की अगर हम देखिए तो धृतराष्ट्र मतलब क्या होता है, धृतराष्ट्र मतलब धृत प्लस राष्ट्र, जिसने राष्ट्र यानी गति को पकड़ रखा है अपनी, वही जो एक और वो मोहग्रस्त है, क्यों मोहग्रस्त है, अपने पुत्र के मुंह में मोहग्रस्त है वो, इस वजह से वो इस चीज का निर्णय नहीं कर पा रहा है कि क्या सही है क्या गलत। वही हम जैसे जीवों के साथ है संसार में, हम ये नहीं समझ पा रहे कि सही क्या है गलत क्या है। अच्छा अब जब बात आती है कि जो अर्जुन मोहग्रस्त जो क्यों हो गए, क्योंकि जब भगवान ने उनको कहा कि आप क्या को करना क्या है, आपको धर्म का पालन करना है, तो जब अर्जुन के लिए जाना कि उन्हें अपने ही परिजनों को मारना होगा, अपने परिजनों का संहार करना होगा, तो पूरी तरह विषादग्रस्त हो गए, तो उनका मनोबल टूट गया कि वो क्या करें, अपने घर के ही पितामह कैसे शूरवीर थे और उनके परिजन कौन कौन से, उनके गुरु, अपने गुरु के विरुद्ध जाना पड़ा, अपने पितामह के विरुद्ध जाना पड़ा, सबके पूरे अपने परिवार के विरुद्ध जाना पड़ा। तो ये हमें संसार में हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अगर धर्म के रास्ते पे चलना है, भगवान की शरण में अगर जाना है, तो हमें बहुत सी अड़चनें आएंगी, हमें कैसे देखना है कि क्या सही हमारे निर्णय में क्या गलत है। तो इस प्रकार हमें अनेक उपदेश मिलते हैं भगवद गीता से। बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। वांछा गणपति विश्व कृपा सिंधु वेचा पतितो नाम पावने को वैष्णव को नमो नमः। जय वृंदावन बिहारी लाल की। कहां गया क्या बोलो। देखो गीता का जो सर्वश्रेष्ठ श्लोक है, इसलिए कृष्ण कहा अर्जुन तेरे को अभी तक मैंने गुह्य तरह और गुह्यतमा, लेकिन सारे बात मैं तुमको बता चुका हूँ, अभी चुके तुम मेरे दोस्त हो, अभी मैं तुमको सर्व गुह्यतमा मतलब जितनी गोपनीय में भी सबसे जो गोपनीय बात तेरे को मैं बताने जा रहा हूँ। क्यों, तुम मेरे सखा हो, मेरे मित्र हो। अब देखना कभी कभी संसार में ऐसे झगड़ा होता है, कभी संसार में ऐसे कुछ बात होती है, कभी जो बात आप पत्नी को भी नहीं बता सकते हो, जो बात आप पति को भी नहीं बोल सकते हो, जो बात आप बेटा बेटी को नहीं बोल सकते हो, देखना वो बात आप किसी प्यारे दोस्त को बोल दो, बोले दोस्त ये घर की बात मैं क्या बताऊं, माता जी इधर देखो, इसलिए मैं अपना घर की बात तुम्हें क्या बताऊं, हैं, इसलिए घर की बात है, इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ, चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्यारे तुम दोस्त हो, इसलिए कृष्ण कहते हैं अर्जुन वो सर्वोगीहतम उपदेश किया है, कहते मन मना भव, ये मन और किसी को मत दिया करो, ये मन किसको दो, ये मन केवल मुझे ही दो, क्यों, जो जीव है, जीव कौन है, ममई पांस जीव लोके जीव भूत सनातन, जो जीव है वो ईश्वर का ही अंश, हम भगवान की ही संतान है, संतान होने का नाते
हमारा कर्तव्य क्या है, ये मन किसको देनी चाहिए, केवल श्री ठाकुर जी को ही देनी चाहिए, ये मन और किसको नहीं देनी चाहिए। तब हमारे गुरु जी एक सुंदर कथा सुनाते थे, मन कृष्ण को कैसे दे, यद्यपि सभी भक्तों ने मन दिया है लेकिन ये पूर्ण रूप में किसने मन को दी है। एक बड़ी सुंदर स्टोरी सुन लो, हमारे बड़े गुरु जी सुना देते। तो अभी एक समय ब्रज में कोई एक नवेली आई, नवेली कौन है, जो नई बहू है शादी करके ब्रज में आई। अभी ब्रज में जो आती है ना, कि कोई साधारण, अभी कथा सुन रहे थे ना, जो पूर्व पूर्व जन्म में गोपी कौन बन करके आई है, जो दंडकारण्य का ऋषि लोग थे पूर्व जन्म में ही। भगवान राम जब जनकपुरी में गए, वो जनकपुरी के सीता की जितने सहेलियां, भगवान राम ने जो 11,000 साल तक उन्होंने राज्य तो की, हर साल में एक अश्वमेध यज्ञ करते थे, एक सोने की सीता बनाया करते थे, वो सोने के सीते पूर्व पूर्व जन्म में कुछ बेल के ऋचाएं मंत्र थी, वो मंत्रों ने कठोर तपस्या की। जब भगवान संतुष्ट हुए, बोले क्या चाहते हो, बोले प्रभु ये गोपियां जैसे तुम्हारी भक्ति की, हम ऐसे भक्ति चाहते हैं। ठाकुर जी बोले नहीं, और कोई चीज मांगो, बोले नहीं हमें यही चाहिए, वो जो वेद का मंत्र है, वो जो ऋषि लोग हैं, ये सब के सब ब्रज में गोपी बन करके आएगी। गोपियां कोई स्त्री नहीं है, नहीं तो शंकर स्वयं गोपी बन करके जाते कि नहीं रास दर्शन करने के लिए, शंकर क्यों गोपी रूप धारण किए। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ना अहम बन्मी न च गृहपति न जतिवा, फिर मैं कौन हूँ, बोले किंतु प्रदीप न निखिल परमानंद पूर्ण मृताब्धे गोपी भर तु पद कमल वो दास दासान दास। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हम गोपियों को जो भरता है, जो गोपीनाथ है, उनकी दासों का दासों का दासों का हम दास है। क्योंकि श्री महाप्रभु कलयुग में ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आकर के वही दुर्लभ प्रेम को महाप्रभु कलयुग में देने के लिए आए थे, हैं? इसलिए अभी इस सब के सब गोपी बन करके आई है। अभी कृष्ण रोज गैया चराने ठाकुर जी जाते हैं, जब जाते हैं सवेरे ठाकुर जी बड़ी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बंसरी बजाते हैं। अरे बंसी ध्वनि सुन करके जितने ब्रजवासी सारे काम को पीछे रख करके सबके सब भागते भागते आते हैं और कृष्ण को दर्शन करते हैं। बोले क्यों, अभी कृष्ण गोचारने के लिए चले जाएंगे, तीन बार कृष्ण दर्शन नहीं होगा, फिर ठाकुर जी जब शाम को आएंगे एक बार दर्शन होगा। तो जो नवेली गोपी आई थी ना, उसने बोली मैं भी कृष्ण को दर्शन करने जाऊंगी, लेकिन उसकी सास ने मना कर दी, बोले खबरदार वो काले सांप को दिखने मत जाया करो, क्योंकि वो काला सांप एक बार काट देगा ना वो जहर नहीं उतरेगी। बोले तू डोकरी होकर के बुढ़िया होकर के जा रही हो, मेरे ससुर बूढ़े होकर के जा रहे हैं, मेरे पति भी सब दुनिया जा रही है कृष्ण दर्शन करने के लिए, और कृष्ण किसको ये काला सांप काटेगा नहीं और मेरे को काटेगा, बोले तेरे को ही काटेगा और किसी को काटेगा नहीं, इसलिए मत जाया कर। बोले मैं तो जरूर दर्शन करने जाऊंगी। अभी वो गोपी किसकी बात नहीं सुनी और कृष्ण को ऐसे घूंघट उठा कर देख रही थी, है कृष्ण तो सब जानते हैं गटगटवासी, वो कहाँ कौन किस रूप में मेरे को भक्ति करती है वो सब जानते हैं। अभी ये नई गोपी, अभी इसकी प्रेम को कृष्ण बढ़ाने के लिए किया कि इसकी तरफ में एक बछड़े के मुंह को सीधा करके ना उनका पूछ को उन्होंने ऐंठ दिया और ऐंठते ही वो बछड़ा फुदकते हुए सीधा ये गोपी को पास में पहुंच गया। जब पहुंच गया कृष्ण ने बहाना बना करके वो बछड़े को गोपी को पास में आए और उनको जो बंसुरी थी बंसुरी से गोपी की कपलों में गालों में थोड़ा स्पर्श कराए और उनको तरफ में थोड़ी सी तेरी सी चिता बने से देखी और थोड़ी थोड़ी मीठी मीठी हंसे, कहते उनकी तेरी सी चिता बने नहीं वो तीर है, कहते उनकी हंसी नहीं वो जादू है, वो जादू है। और कृष्ण का जो स्पर्श किया ना, कृष्ण का स्पर्श पाते ही उसकी तन मन जो कुछ था वो तो कृष्ण को साथ में चला गया और कृष्ण चले गए। जब चले गए उसकी मन प्राण चित्त तो कृष्ण को साथ में चला गया। वो ठगी सी ठगी रह गई। इतने में उसकी सांस में देखी भैया बहू कहाँ गई, सबके सब तो वापस आ गए लेकिन अभी बहू आई नहीं, बहू कहाँ गई, आकर के देखा ना वो तो ठगी से ठगी गई। क्यों, इसकी मन प्राण चित्त कृष्ण के साथ में चला गया। सांस ने बोली तेरे को मैं पहले मना कर रही थी ना,
तू मत जाया करो, तू सुनी नहीं, देखा ना वो काला सांप तेरे को काट दिया है, वो काला सांप तेरे को काट दिया, और उसका चेहरा अभी उतरे कैसे, अभी वो सोच रही है इसको किसी काम में लगा दू इसका मन वापस आ जाएगा। बोले बैठो यहाँ पर बैठ कर दधि मंथन करो। सांस चली गई, थोड़ी देर बाद में आकर के देख रही हो दधि मंथन क्या करेगी, वो राय को लेकर के मंथन कर रही, राय मंथन कर रही है, क्योंकि इसका तो मन है ना, मन तो कृष्ण के साथ में गया, केवल शरीर की शरीर यहाँ पर है। बोले थोड़ा चलने फिरने का काम में लगा दो। बोले एक बच्चे को हाथ में पकड़वा दिया, सर के ऊपर तीन चार कलसी रख करके रस्सी पकड़वा दिया, बोले जा कुएं से पानी भर करके ला। जब उसने कुएं में पानी भरने के लिए गई और भी कुछ गोपियां वहां पानी भर रही थी, इसने क्या कि जो रस्सी थी ना और हाथ में बच्चे को पकड़वा दी थी, उसने कलसी में फांद क्या लगाई, बच्चे को गले में फांद लगा दिया और लगा करके उसको कुएं में डाल रही थी। कुछ कुछ गोपियां थी, बोले भैया इसको तो भूत लग गया, इसको तो भूत लग गया, लेकिन वहां पर कृष्ण रूपी भूत लगने पर क्या होता है, वहां पर कुछ अनुभूति संपन्न गोपियां थी, बोले भैया इसको भूत नहीं लगा, नंद बाबा की मैया जसोदा के भूत लग गया है, इसको पुत्र रूपी भूत लग गया। साधारण भूत अगर लग जाए ना वो तो छूट जाती है, लेकिन कृष्ण रूपी भूत लगी वो भूत कभी छूटती नहीं। देखो आपको ऊपर में लगा है, लगा कि नहीं, तभी तो घर बार छोड़ छाड़ करके कहा बेटा बेटी नाती पोती को देखना चाहे था सब पीछे रख करके कहां पर आ गए हो, कथा सुनने के लिए आ गए। इसलिए हमारे गुरु जी कहते थे मन न मना, कहते मन और किसी को नहीं देना, किसको देना, कृष्ण को देना। मत मना मतलब मन को और किसी को नहीं देना, इनको बोले मत भक्त भव और किसी का भक्त मत बनो। कृष्ण मना करते हैं भक्त बनना तो मेरे भक्त बनो है, जैसे श्री बिल्लो मंगल गुरुदेव कहते जैसे बिल्लो मंगल ने कृष्ण दर्शन कैसे किए हैं, कैसे उन्होंने कृष्ण प्रेम में दीवानी बनी, साक्षात कृष्ण कैसे अपना लास्ट में तो ना आंख उन्होंने फोड़ दिए, कृष्ण प्राप्ति के लिए आंख फोड़ दिए, कृष्ण स्वयं आकर के इनके हाथ पकड़ पकड़ करके वृंदावन ले गए, ठाकुर जी स्वयं वृंदावन ले गए, वृंदावन लेकर अंधे बन गए। एक दिन राधा कृष्ण दोनों दर्शन देने के लिए आए, लेकिन दर्शन दे के इसे जान बुझ कर इसको तो दिख नहीं रहा था, राधा कृष्ण दोनों खड़े। इतने में राधा रानी कृष्ण को कह रहे, बोले कृष्ण कृष्ण देखो ये अंधा बाबा बड़े बदमाशी है, खबरदार इनको पास मत जाया करो, नहीं तो पांव पकड़ लेगा तो छोड़ेगा नहीं। मतलब क्या, ये अंधा है ना, दिख नहीं रहा है, इसको कह रहे सामने ठाकुर जी हाथ पकड़, ठाकुर का चरण को तो पकड़ो, ठाकुर सामने खड़े। इतने में उन्होंने क्या किया, ठाकुर जी की चरणों को पकड़ लिए, पकड़ करके बोले ठाकुर जी एक बार मुझे दर्शन भी दो। इतने में ठाकुर जी उनको आंख के ऊपर में जो उन्होंने हाथ घुमा दिया ना, फिर दोनों आंख निकल करके आ गए, दोनों आंख निकल करके आ गए। कहते भैया भक्त बनना तो और किसका भक्त मत बना करो, कृष्ण कहते भक्त बना तो मेरा ही भक्त बनो। बोले मेरे भक्त बनने से क्या होगा, बोले माम एससी तो मुझे प्राप्त करोगे, बोले तेरे को मानने से क्या होगा, बोले जत गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम अर्जुन, जहां जाने पर कभी वापस नहीं आओगे। लेकिन ये जगत का पुण्य कर्म करते हुए अगर ब्रह्मलोक तक कभी चले जाओगे, खिन्न पुण्य मर्त्यलोक विसरति, पुण्य समाप्त होते तुमको ब्रह्मलोक से वापस आना पड़ेगा, लेकिन जो मेरे भक्त बनते हैं वो तो कभी वापस नहीं आते। इसलिए मत भक्त भव, बोले माम जाजी, बोले पूजा और किसको मत करो, पूजा करना तो मैं माम नमस्कुरु, प्रणाम करना तो किसको करो, प्रणाम केवल मुझे करो, क्यों, फिर माम एससी फिर तुम मुझे प्राप्त करोगे। इसलिए गीता का जो सर्वश्रेष्ठ श्लोक, गीता की सर्वश्रेष्ठ श्लोक यही श्लोक है। अगर ये श्लोक को अगर हम अपना जीवन में उतार लेंगे तो समझना हमारा जीवन धन्य हो गया है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, पिताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोलो। ये माइक क्या माइक लगाए, खुद को माइक चलाना नहीं आता है, हैं हरे कृष्णा, बहुत नीचे हो जाएगा, नीचे से आप करिए। Thank you.
भ्यो नमः पादौ यदीयौ प्रथम द्वितीयौ तृतीय तुरीयौ कथितो यदूरौ नाभिस्तथाह पञ्चमयेन षष्ठौ गुञ्जावतं तौ युगलत्तथान्यौ कण्ठस्थुराजन्नवमू यदीयौ मुखारविन्दं दशम प्रफुल्लम् एकादशं यस्य ललाटपट्टकं शिरोऽपि यद्वादश एव भाति हरे कृष्णा भक्तवाञ्छा कल्पतरु कृपासिन्धु दीनबन्धु पतित पावन प्रियतम परमेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा से मानव जीवन का उत्कृष्टोत्कृष्ट फल सत्संग आज हम लोगों को लखनऊ में बैठ करके ओल्ड स्कॉन मंदिर में बैठ करके इस दिव्य प्रांगण में श्री महाराज जी के श्री मुखारविंद से प्राप्त हो रहा है। सबसे पहले व्यासासन पर विराजमान श्रीपाद श्री महाराज जी के श्री गुरुदेव के चरणों में बार बार नमन करता हूँ। तत्पश्चात परमाराध्य श्री गुरुदेव को परम गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ। पूज्य पाद श्री स्वामी महाराज जी को प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित समस्त वैष्णव विद्युत वरेण्य जनों को प्रणाम करता हूँ। महाराज जी जिस कथा को अभी श्रवण कर रहे थे उससे आगे का जो है वो पूतना लीला आती है। भगवान ने कैसे पूतना का उद्धार किया देखो। ये पूतना थी कौन? देखो पूतना शब्द का अर्थ क्या है? पूत और ना। पूत मतलब कहते हैं बेटा और ना मतलब नहीं। जो ब्रज के अंदर एक भी बच्चे को नहीं छोड़ रही है उसका भक्षण कर रही है उसको पूतना कहते हैं। देखो कंस ने इसको भेजा है। श्री भगवान जब षड दिवस के हुए हैं 6 दिवस के हुए हैं तब पूतना ब्रज में आई है। ये जब ब्रज में आई है तो ये बहुत सुंदर वेश बनाकर आई है। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं ताव केश बंद रति सत्त मल्लिका बृहन्नरत मद कच्छ मध्यमा सुभाषितम भूषण करण योषित जसयुरसत कुंडल मंदिका नाम वल्गुस्मृतापांग विसर्ज विक्षितई मनोहरंतिम बनका ब्रजऊ कसा। ये कैसे आई है? जब ये चली है जब ब्रज में आई है तो ऐसा प्रतीत हुआ कि दो बादलों के टकराने से जो बिजली उत्पन्न होती है उसको उसने बगात वहां से खींच करके और अपनी साड़ी के ऊपर सुशोभित कर लिया हो। ऐसा प्रतीत होता था कि सब षोडश कलाएं चंद्रमा की उसने बलात वहां से खींच करके और अपने कंठ का हार बना लिया हो। ऐसा प्रतीत होता था कि सिंगनी चल रही है और उसकी मदमस्त चाल को उसने बलात वहां से खींच करके अपनी कमर के रूप में सुशोभित कर लिया हो। सरस्वती की वीणा के सप्त स्वरों को उसने बलात वहां से खींच करके और अपने चरणों में नूपुरों के रूप में सुशोभित कर लिया हो। केतकी मौली श्री श्री चंपा पाटिल कुसुम इत्यादि पुष्पों को उसने बलात वहां से खींच करके और अपनी वेणी के रूप में सुशोभित कर लिया हो। ऐसा प्रतीत होता था कि काली काली रात को उसने बलात वहां से खींच करके और अपनी नैनों में आंखों के काजल के रूप में सुशोभित कर लिया हो। ऐसा प्रतीत होता था कि आकाश में उदित हुए समस्त समस्त जो तारे हैं उसने बलात वहां से खींच करके और अपने मुख के ऊपर सुशोभित कर लिया हो। कटी किंकड़ी कुरन करती हुई हाव भावों को प्रकट करती हुई मंद मंद मुस्काती हुई इठराती हुई लहराती हुई बलखाती हुई पूतना ब्रज में पधारी। जैसे ही ब्रज में गई तो सारी गोपियां उनको देख करके रास्ता देने लगी। वे सब सोचने लगी कि साक्षात लक्ष्मी अपने भुवन भास्कर श्री भगवान का दर्शन करने के लिए पधारी है। जब पूतना आई तो उसने पूतना जब आई ब्रज के भीतर तो नंद महल में उसने प्रवेश किया। सारी की सारी गोपियां देख करके उनके दिव्य दिव्य मुख को चकित हो गई थी। इतनी सुंदर पूतना लग रही थी तो पूतना ने कहा यशोदा
पूछा मैया से, मैया क्या मैं तेरे लालक को अपनी अंक में बिठा अपनी अंक में ले लूं? तो मैया ने उसको कहा कि ठीक है, तू लालक को अपनी अंक में ले ले। उसने लालक को अपनी अंक में लिया। देखा पहले श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण ने देख करके पूतना को अपनी आंखें बंद कर ली। अब इसपे बहुत सारी, इतनी मोटा ग्रंथ है इसपे, कि पूतना ने श्री भगवान को देख, श्री भगवान ने पूतना को देख करके अपनी आंखें क्यों बंद कर ली। पहला कारण, हमारे श्रीधर स्वामी पाद क्या कहते हैं, श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं कि पूतना, वो भगवान श्री कृष्ण ने आंखें क्यों बंद कर ली, क्योंकि पूतना जो है वो अज्ञान का प्रतीक है और श्री भगवान ज्ञानोत्पुंज है। जब ज्ञानोत्पुंज अज्ञान को देखा और आंख बंद कर ली, क्योंकि ये मेरे मर्म को नहीं जानती, इसको मेरी लीला का अभी इस ये मेरी लीला नहीं जानती, ये मैं कौन हूँ श्री कृष्ण सोच रहे हैं, इसको अभी ये ज्ञान नहीं है, ये किसी गुरु के समीप नहीं पहुंची है, इसने गुरु से दीक्षा का आवाहन नहीं किया है, इसलिए ये अज्ञानी है, इसलिए भगवान ज्ञानोत्पुंज है और भगवान ने अज्ञान को देख करके अपनी आंखें बंद कर ली। दूसरा कारण है, पूतना जो है पूर्व जन्म में बलि की पुत्री रत्नमाला थी, भगवान सोच रहे हैं इसको तो देखा देखा लग रहा है, तो आंख मूंद करके श्री भगवान सोच रहे हैं कि हाँ, ये पूर्व जन्म की, जो पूर्व जन्म में बलि है उनकी पुत्री रत्नमाला है। जब भगवान वामन रूप में आए, जब वामन रूप में श्री भगवान पहुंचे बलि के यहाँ, तो रत्नमाला देखी और देखा, अरे कितना सुंदर लाला है, जी करता है इसको गोदी में लेके अपना दूध पिलाऊं। भगवान ने उसी समय आशीष दे दिया, आशीर्वाद दे दिया कि तथास्तु एवं अस्तु, चार कर लियो ये भी। फिर जब भगवान त्रिक्रम हो गए, बड़े हो गए, सब कुछ नाप लिया, बलि को बिल्कुल कंगाल कर दिया भगवान ने, तब इस रत्नमाला को क्रोध आया कि ऐसा छलिया बालक हो तो मेरा मन करे इसको विष दे दूं। तो भगवान ने कहा ये भी कर लियो एवं अस्तु। तो आज भगवान आंख मूंद करके सोच रहे हैं, हाँ ये वही बलि की पुत्री रत्नमाला है, चल आजा तू भी पिला ले दूं। तीसरा और कारण है, जो हमारे श्री चक्रवर्ती पाद लिख रहे हैं कि नयन मूंद करके श्री भगवान सोच रहे हैं, भगवान श्री भोले बाबा को याद कर रहे हैं, हे आशुतोष भगवान नीलकंठ, आपको तो पहले से एक्सपीरियंस है विष पान करने का, क्योंकि जब 14 रत्न निकले समुद्र मंथन से, लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजात कसुरा धनवंतरिश चंद्रमा धेनु काम दुगा सुरेश्वर गजो रंभाज देवांगना अश्व सप्तमुखो विषम हरिधनो शंखम मृतम चांबुदे रत्ना नीति चतुर्दशम प्रतिदिनम कुरुवंतु नो मंगलम। उसमें जब विष निकला था तो आपने पीत हलाहल पी महेश ने कियो जगत कल्याण, उस विष का आपने पान किया था प्रभु, तो आज वही समय आ गया है। ये पूतना अपने स्तनों के ऊपर कालकूट लगा करके आई है, मेरी आपसे यही प्रार्थना है, हे विश्वंभर आप इस दूध को, इस विष को आप पी लीजिए और दूध दूध मैं पी लूंगा। भगवान शंकर ने सोचा अरे बड़ा चला कभी से ये तो हो गया। उसके बाद पूतना ने क्या किया, पूतना ने अपनी निज कंचुकी को ऊपर किया और निजस्थन भगवान श्याम सुंदर के मुखांबुज में प्रस्तुत किया। चुसुर चुसुर करके श्री भगवान पूतना का दूध पी रहे हैं, चुसुर चुसुर करके श्री भगवान पूतना की पाप राशियों को पी गए, उसके अज्ञान को पी गए, उसके पाप को पी गए, उसके संताप को पी गए, शाप को पी गए, कलुष को पी गए, क्लेश को पी गए, कलुषता को पी गए, अन्य अन्य प्रकार की अज्ञानता को पी गए, उसके कर्मों के दिव्य प्रभाव को पी गए और आखिरी में जब उसके प्राण पीने लगे तो पूतना जोर से चिल्लाई, समुंच मुंचा विभरत प्रभाषिणी, अरे अरे लाला छोड़ मुझको, छोड़ दे मुझको। भगवान ने कहा देख मैया, मुझको तो मोको तो एक ही काम आवे, क्या तो मैं किसी को पकड़ू नहीं और पकड़ू तो फिर बाद में उसको छोड़ू नहीं। तो भगवान ने तो पूतना के जब प्राण निकले तो इसके जब प्राण भगवान ने हनन किए, उसके बाद भगवान ने ले जाकर के इसको कंस के इतने बड़े बगीचे में धड़ाम से गिरा दिया। अच्छा कंस के बगीचे में ही क्यों गिराया, और भी तो जगह भगवान इसको गिरा सकते थे, क्योंकि हमारे टीकाकार कहते हैं कि कंस के बगीचा इतना सुंदर था कंस का बगीचा, तो भगवान ने कहा जिसकी सुंदरता मेरे लिए नहीं है, जिसका रूप लावण्य सौंदर्य मेरे लिए नहीं है,
इच्छा मेरे मेरे आरोगने के लिए नहीं है तो वो व्यर्थ है, इसलिए भगवान ने उसको कंस के बगीचे में गिरा दिया। जैसे ही कंस के बगीचे में गिराया, ऐसी जोर की ध्वनि हुई और जोर की ध्वनि होने के बाद सारे ब्रजवासी भागे। ब्रजवासी जब भागे, भागने के बाद देखो इसका शरीर इतना बड़ा था तो लोग सीढ़ियां लगा लगा करके इसके हाथ पे सीढ़ी रखी, फिर इसके पेट तक सीढ़ी गई। तब वो एक एक गोप जो है वो चढ़ रहे हैं और श्री लाला को अपने हाथ में उठाया है और लाला को नीचे लेकर के आए हैं। जब लाला को नीचे लेकर के आए हैं तो यशोदा मैया ने लाला को अपने अंक में छुपा लिया है। अंक में छुपा करके गोपियों समेत समस्त गौशाला में गई है और गौशाला में जाकर के सब सोच रही है कि इसको नजर लग गई, इतनी बड़ी राक्षसी के पास है तो जरूर इसने कोई टोटका किया है। तो सारी की सारी गोपी उसको उन श्री भगवान को गौशाला में ले गई और गौशाला में ले जाकर के गाय की पूंछ से झाड़ा दिया है। अव्या अजम्भ्रिमणि मास्तव जन्म थोरु यज्ञोच्युतम कटिजटम जठरम हयस्य यत्केश वस्तु दुर ईश इनस्तु कंठम विष्णुर्मुखम मरमुरुक्रम ईश्वरक्रम चक्रह कदह सह कदो हरिरस्तु पश्चात त्वत्पार्श्वयोर् धनुरसी मधुहाजनश्च कौणेषु शङ्ख उरुगाय युपरयुपेन्द्र। इन सब भगवान के नाम ही है। हलधर मेरे बच्चे की पेट की रक्षा करे, विष्णु मेरे बच्चे की मुख की रक्षा करे, गोविंद मेरे बच्चे के हाथ की रक्षा करे, माधव मेरे बच्चे की जंघा की रक्षा करे। देखो भगवान के नाम का चमत्कार, भगवान के नाम से ही भगवान को झाड़ा दिया जा रहा है, तो सोचो भगवान के नाम की महिमा कितनी होगी। जो भगवान को भी बुरी नजर से, ब्रजवासियों के प्रेम में बुरी नजर ही थी, जो भगवान को बुरी नजर से बचा दे वो भी श्री भगवान का नाम ही है। ऐसे फिर क्या किया, पूतना के इस भारी शरीर को टुकड़े टुकड़े करके जब जलाया, देखो पूतना की शोभा, आज ऊपर बड़ी बड़ी देवियां चकिता रही है, लक्ष्मी चकित हो गई है, रुद्राणी चकित हो गई है, वैष्णवी चकित हो गई है, ब्रह्माणी चकित हो गई है। क्यों? क्योंकि किसी के गले में स्फटिक मणि का हार है, किसी के गले में विद्युतराग मणि का हार है, किसी के गले में कौस्तुभ मणि का हार है, लेकिन धन्य है पूतना, आज नीलमणि बनकर के श्री भगवान उसके कंठ में विराजमान है। पूतना की शोभा देखो, इसका जब संस्कार किया गया ब्रज में पूतना का, तो सुखदेव जी वर्णन कर रहे मधुरम धुभ पान्यः, इसके शरीर से इतनी जोर की सुगंध प्रस्तुत हुई कि ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरे ब्रज में सुगंधित यज्ञ हो गया हो। अरे जिस पुनीत शरीर से श्री भगवान ने इसके शरीर को स्पर्श किया तो इसकी सारी कलुषता को भगवान हरण कर ले गए, तो सारी कलुषता की सुगंध खत्म करके भगवान ने अपनी दिव्य पुनीत सुगंध इसको प्राप्त कराई है। इस कारण से इसका जो शरीर है वो ऐसी दिव्य प्रभा को निकालने लग गया, दिव्य सुगंध को निकालने लग गया। फिर उसके बाद भगवान ने इसको श्री अपने धाम में धाई की गति दी है। धन्य मातु धन्य प्रभु की लीला जाहि मारण आई और जाहि दीन गति धाय की जय जय कृष्ण कन्हाई। भगवान की दिव्य महिमा है, उस जो मारने आई थी उसको भी श्री भगवान ने धाई की गति दी है। तो हम लोग सोचो भक्ति करेंगे तो हमें कौन सा पद प्राप्त होगा। इन्हीं सभी शब्दों के साथ वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे वृंदावन हरि लाल की, हरे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। देवा ठाकुर जी ने सबसे पहले पूतना को मारे। अब बताओ तो भगवान राम सबसे पहले किसको मारे थे, कौन बोले हार था। देखो दोनों प्रभु ने एक ही सिखा दिया है। पूतना मतलब क्या, पूत मतलब पवित्र, ना मतलब नहीं, जो पवित्र नहीं जो अपवित्र है। बोले तारका मतलब, बोले तारे अतीति तारका, जीव को जो भगाता है। बोले जीव को कौन भगाता है, काम क्रोध लोभ मोह। इसलिए मानो
दोनों प्रभु एक ही शिक्षा देते हैं। अगर हृदय में कोई ठाकुर को बैठना चाहते हो, सबसे पहले किसको मारो? उतना और तारक मारो, उतना और तारक मारो, बोले पूतना है, पूतना, ये भी तीन अक्षर है, और तारका, ये कितना अक्षर है? ये भी तीन अक्षर है, पूतना, ये भी स्त्री, और तारका भी स्त्री है। मानो दोनों प्रभु ने एक ही लीला की, इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी ये पुतना पद को बाद में एक श्लोक को बताया। बोले भैया भक्ति करना तो किसको भक्ति करनी चाहिए? बोले कृष्ण को। बोले क्यों? जब ये चीज को अच्छे तरह से समझो, बोले पुतना लोक वाला राक्षसी रुधिरासना जिज्ञासया पी हरे स्तनम तत्वा अपसद गति। कहते पुतना को अंदर में सारे दुर्गुण है। पहला नंबर पुतना, पुत मतलब पवित्र, ना मतलब नहीं, जो पवित्र नहीं अपवित्र। बोले दूसरे नंबर में राक्षसी, तीसरे नंबर में काम क्या था? बोले बच्चों को खून पीती थी। बोले चौदह नंबर में किस कृष्ण के लिए क्या लेकर के आई थी? जहर, बीज, ऐसे दुष्टा थी। लेकिन ऐसे दुष्टा व्यक्ति को ठाकुर जी कहां स्थान दे दिया? उनको गोलोक वृंदावन में धाई माँ, धाई मतलब माँ की अनुगत्य में, देखना माँ जब बच्चे जन्म देती है ना, उस समय स्तन नहीं पान करा पाती है, उस समय जो बच्चे को स्तन पना कर पान कराती है, इसलिए उनको धाई माँ की गति उन्होंने स्थान दे दिया। तो बता भाई पुत्र ना, ये अपवित्र जो पवित्र थी नहीं, अगर अपवित्र व्यक्ति को ठाकुर जी इतने अच्छे पोस्ट दे सकते हैं, अगर ठाकुर जी को पास में कोई बढ़िया साड़ी पहन करके आ जाओ, बस नहा धो करके थोड़ा पवित्र बन करके आओ, तो ठाकुर जी क्या नहीं देंगे? ठाकुर जी के लिए लाई थी क्या? बोले 20। अगर ठाकुर जी के लिए 20 लाने पर अगर ठाकुर जी गोलोक वृंदावन देते हैं, अगर ठाकुर के पास में खाली हाथ से आओ, केवल भक्ति भाव से, नहीं तो एक फूल की माला ले आओ, नहीं तो एक फूल ले आओ, नहीं तो एक फल ले आओ, नहीं तो ठाकुर जी की प्यारा थोड़ी सी मक्खन और मिश्री लेकर के आओ, फिर ठाकुर तुम्हें क्या नहीं देंगे? ये पुतना फिर राक्षस थी। अगर ठाकुर जी राक्षस को अगर इतने बड़े पोस्ट दे सकते हैं, अगर कोई इंसान हो, हैं? कोई इंसान हो, नहीं तो उनको कोई प्यारे भगत हो, फिर ठाकुर जी क्या नहीं देंगे? इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मनि। अगर श्रद्धा पूर्वक भक्ति करोगे ना, आप सोच नहीं सकते ये बांके बिहारी कृष्ण हमें क्या देने वाले। इसलिए भक्ति करो तो किसको भक्ति करो? श्री कृष्ण को ही भक्ति करनी चाहिए। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोले श्री नंद के लाला की जय, जय जय श्री राम। देखो कल कथा की छठवां दिवस है, कल भागवत में हम सबसे बड़े उत्सव मनाएंगे जिसका नाम से अन्नकूट महोत्सव। क्या नाम है? श्री गिरिराज महोत्सव। ये जो गिरिराज गोवर्धन है, ये गिरिराज गोवर्धन कौन कौन गिरिराज गए हो? हाथ उठाओ। कहते ये गिरिराज गोवर्धन कोई पहाड़ नहीं है, ये गोलोक वृंदावन से ही श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं प्रकृति ही मनसा जात। एक दिन कृष्ण गोलोक वृंदावन में श्याम सुंदर राधा रानी दोनों बैठे थे, सोच रहे थे ऐसे एक सुंदर स्थान हो जो पृथ्वी का सबसे सुंदर स्थान, जहां पर सारे ऋतु बहता हुआ हो, जहां पर सुंदर नदी, जहां पर सुंदर फल फूल हो। तब राधा रानी अपना हृदय से ही ये गिरिराज गोवर्धन को प्रकट करती है, इसलिए प्रकृति ही मनसा जात। राधा जी के हृदय से गिरिराज प्रकट हुई, इसलिए गिरिराज का एक नाम है सर्व अभिष्ट प्रदाता, मतलब जो कुछ आप गिरिराज से मांगो। हमारे बड़े गुरु जी कहते थे जब कोई व्यक्ति गिरिराज की परिक्रमा करते है ना, ठाकुर जी उसको पीछे 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 घूमते हैं, इतने कष्ट करके मेरी परिक्रमा कर रहा है, ये मेरे से क्या मांगेगा? जो मांगो गिरिराज उसको दे देते हैं। आप लोग गिरिराज गए हो, जो गिरिराज गए आप देखे होंगे गिरिराज में जो शिला है ना, शिला के ऊपर पत्थर के ऊपर पत्थर रखा हुआ देखे हो? बोले क्यों? बोले जिसको जितने मंजिली मकान चाहिए, जिसको जितने मंजिली मकान चाहिए, वो गिरिराज शिला के ऊपर जितने मंजिली जितने पत्थर रख दो ना,
ठाकुर जी उतना मंजिल मकान पे रहते ठाकुर जी। आप देखना पेड़ में रस्सी बंधा हुआ देखोगे, जिनके बेटा बेटी की शादी नहीं हो रही है, किसकी नौकरी चाकरी नहीं, घर में कोई दुख कष्ट है, गिरिराज की परिक्रमा करो, अभिषेक करो, गिरिराज सब इच्छाओं को गिरिराज जी पूरी कर देते हैं। इसलिए इनका नाम है सर्व अभिष्ट प्रदाता, मतलब हमारी जो कुछ इच्छाओं को, सारे इच्छाओं को जो पूरी करते हैं श्री गिरिराज श्री गोवर्धन है। लेकिन हमारे गुरु जी कहते थे, बोले देखो गिरिराज तो सब दे देते, स्त्री पुत्र परिवार धन दौलत दुकान मकान सब चीज को ये आसानी से दे देते हैं, लेकिन जब इनसे एक चीज मांगो ना, फिर गिरिराज सोच में पड़ जाते हैं, सोचते हैं उनको दूं कि नहीं दूं, बताओ दो क्या चीज है, कहते उनकी भक्ति उनकी सेवा। बोले क्यों, वो सोचते हैं क्यों, फिर देते ही नहीं क्यों, वो देते तो है लेकिन जब भगवान गिरिराज जो रुपया पैसा धन दौलत देना उसको देकर छूट जाते हैं, लेकिन जब किसको भक्ति देना पड़ता है, भगवान को बंधना पड़ता है, उसको प्रेम में बंध जाना पड़ता है। ठाकुर जी वशीभूत होते हैं लेकिन सभी की प्रेम नहीं, भक्तों की प्रेम है, वो भी देते हैं लेकिन जब देते हैं ये निष्कपट से अंतर हृदय से मेरे को भक्ति प्रार्थना करता है, ठाकुर जी उनकी भक्ति भी प्रदान करती है, ठाकुर जी उनको प्रेम भी प्रदान करते हैं। इसलिए कल है श्री गिरिराज गोवर्धन, हम लोग कथा सुनेंगे उनकी पूजा करेंगे। इसलिए अब लोग एक काम करियो कि गिरिराज स्वयं बताए ये अन्नकूट महोत्सव में एक अन्न की दाना किसने लगा दी, स्वयं गिरिराज जी कहते हैं जीव गोस्वामी किसी जीवन में घर में अन्न वस्त्र की कभी अभाव नहीं पड़ेगी, उसकी घर में माँ लक्ष्मी भरपूर रहेगी, एक जीवन नहीं जन्म जन्मांतर तक उसकी घर में अन्न वस्त्र की कभी अभाव नहीं पड़ेगी, ये गिरिराज स्वयं ये वाणी बोले। इसलिए आप लोग कल घर से जो बढ़िया बढ़िया चीजें बना दो, जैसे कोई हलवा हो नहीं तो पनीर का सब्जी हो नहीं तो बढ़िया जो घर में बगैर प्याज लहसुन के शुद्ध पूर्वक पवित्र पूर्वक घर से कुछ ना कुछ बना कर लाई हो, नहीं तो कोई फल ले आना नहीं तो कोई मिठाई ले आओगे। कल हम गिरिराज की यहाँ पर मूर्ति बना करके हैं गोबर से, यहाँ पर गिरिराज है नहीं ना, किसी घर में गिरिराज है क्या मंदिर में, हाँ तो बढ़िया अच्छी बात है, तो सब चीज ठाकुर को भोग लगेगा, फिर ये गिरिराज को हम यहाँ ला करके फिर गिरिराज की यहाँ परिक्रमा करेंगे, ठीक है, सबके सब गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे, प्लस गिरिराज महाराज की जय। कोई जयकार नहीं बोल रहे, कोई जय हे और कोई जय, जोर से बोलो, जो जितने जोर से जयकार गिरिराज जी के देगा उसको उतना ही जय जयकार होगी, बोले गिरिराज महाराज की जय। देखो हम लोग ने 7 दिन तक कथा सुनी, कितना दिन तक कथा सुनेंगे, 7 दिन तक कथा सुनेंगे, लेकिन ये कथा का सार क्या है, ये भागवत का सार क्या है, बोले भागवत का सार है जब श्री सुखदेव गोस्वामी ये भागवत को उन्होंने प्रारंभ किया है वो भगवान का नाम से ही प्रारंभ किया, लेकिन जब भागवत को समाप्त करते हैं वो भागवत का प्रभु का नाम से ही उन्होंने समाप्त करते हैं भागवत को, इसका मतलब है भागवत का जो सार है ये ठाकुर जी का नाम है। इसलिए श्री शास्त्र में बताया कि भागवत क्या, बोले ये भागवत नाम पुराणम, नाम पुराणम मतलब भागवत में नाम की महिमा जितना बताई गई और कहीं भी किसी शास्त्र में आप नाम की महिमा इतना नहीं सुनोगे, इतने नाम की महिमा भागवत में बताई गई। अगर भागवत को सुन करके अगर हमने प्रभु का नाम को ही जीवन में ग्रहण कर लिया, समझो जीवन में हम सब कुछ मिल गया। अब देखना आप लोग जीवन में भी जो कुछ करना करो, लेकिन जब शरीर छूटेगा, जब 4 व्यक्ति कंधे पर ले जाएंगे, क्या बोलते बोलते ले जाएंगे, सब यही बोलेंगे ना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, और सत्य बोलो कहते हैं सब विवाह झूठा, बेटा जितने तुमने प्रभु का नाम लिया वही जा रहा है, इसके सिवाय तुमने जो कुछ किया हो तुमने केवल झूठे में बिताया, यहाँ से भी सुई धागा भी तेरे साथ नहीं जा रही, पत्नी जाएगी तो रो रो कर दरवाजा तक जाएगी आगे नहीं चलेगी, परिवार जाएगी तो कहां तक शमशान तक चलेगी, उसको आगे कोई जाने वाले नहीं। इसलिए मीरा कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो वस्तु अमोल का
भी धन ही मिलेगा है। इसलिए हम लोग आज कोशिश करेंगे सबके सब एक माला जप करने के लिए है। देखो आपके लिए छोटी स्टोरी सुनाता हूँ। ये भगवान का नाम है क्या चीज, इसलिए भागवत में बताया है कि भगवान का नाम है, कहते नाम चिंतामणि। ये भगवान का नाम चिंतामणि, चिंतामणि आप लोग नाम सुने हो, चिंतामणि मतलब होता है जो चिंता करो वही मिलेगा, जो मांगो वही मिलेगा। एक उदाहरण देकर समझाए, जैसे आप चल रहे हो, आपका हाथ में की खाली थाली है, रोड में चल रहे हो, देखा आपने 100-100 रुपया गड्डी गड्डी पड़ा हुआ जिसका कोई मालिक ही नहीं, लेकिन मेन रोड में पड़ा हुआ, आप बताओ आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग कोई कुछ बोल नहीं रहे, जिसका कोई मालिक ही नहीं, 100 रुपया गड्डी की गड्डी पड़ा हुआ, आपका हाथ में खाली थाली है, क्या करोगे? उसको थाली में भरोगे? इतना आप चोरी नहीं कर रहे हो, तो किस उसका कोई मालिक ही नहीं, जितना पारोगे ठोस ठोस कर भरोगे। लेकिन जब और थोड़ी दूर गए, देखा 500 रुपया गड्डी की गड्डी पड़ा हुआ, फिर क्या करोगे? लेकिन थाली भरा हुआ है, क्या करोगे? ये तो बड़ा चालक है, ये पहले 100 रुपया गड्डी गड्डी फेंक दिया। इसलिए क्यों, देखो जब जब 500 रुपया पर 100 रुपया की क्या जरूरत, देखो बहुत अच्छी चीज समझाए, 100 रुपया को फेंकेंगे 500 रुपया भरेंगे, लेकिन थोड़ी दूर गए ना, देखा 2000 रुपया गड्डी गड्डी पड़ा हुआ जिसका कोई मालिक नहीं, फिर क्या करोगे? ये कह रहे सब फेंक देंगे, 500 रुपया गड्डी गड्डी फेंक दोगे? इसलिए ये कहते भैया 2000 जब है, अरे 500 रुपया की क्या जरूरत, फिर 2000 के भरोगे। लेकिन और थोड़ी दूर गए ना, आपको हीरे जवाहरात बिखर तो नहीं मिला, कोई मालिक नहीं, फिर क्या करोगे? बोलो सोचो क्या करोगे? फिर 2000 गड्डी को भी फेंकोगे? जब हीरे जवाहरात आते हैं, फिर भैया थोड़े ले जाएंगे तो माल ही माल हो जाएंगे। लेकिन जब और थोड़ी दूर गए, उससे भी कीमती चीज मिले, उससे कीमती चीज बताए पारसमणि। सुने हो पारसमणि, जो लोहे को भी सोना बना देती है, हैं? अगर पारस पर पत्थर मिल गया फिर क्या करोगे? सबको फेंकेंगे, क्यों? लोहे लाओ, लोहे और कितना पैसा का टच करा, सोना सोना ही बनेगा, अगर इसको पारस पत्थर लेकर के जाओगे। लेकिन जब और थोड़ी दूर गए ना, उससे भी कीमती चीज है, बताए आपको क्या चीज है? उसको कीमती चीज श्यमंतकमणि। ये भागवत में कथा आएगी, सुनो भी। ये जो सत्राजीत पिताजी का नाम है, सत्राजीत, इनको साथ में मित्र था सूर्य देवता, सूर्य देव ने प्रसन्न होकर उनको ये मणि दिया था। ये भागवत दशम स्कंद में आएगा, जहां गया वही अनर्थ शुरू कर दिया, क्यों? चट्टान के चट्टान, अपने आप अष्ट भार सुवर्ण, अपने आप जिससे निकलता है सोना ही सोना। इसलिए जिसको कहते सेमंत कमणि, सेमंत कमणि मिला तो फिर क्या करोगे? पारस पत्थर को फेंकेंगे, क्यों? लोहे लाओ, टच कराओ, सोना, इसमें तो सोना अपने आप निकलता है, हैं? फिर उसको भरोगे। लेकिन जब और थोड़ी दूर गए ना, उससे भी कीमती चीज, उससे भी कीमती चीज, बता सकते हो? ये भागवत कहता है नाम चिंतामणि कृष्ण, कहता आपको चिंतामणि मिल, बोले चिंतामणि मतलब क्या? बोले चिंतामणि का मतलब होता है जो चिंता करो जो मांगो वही मिलेगा, जो सेमंत मणि केवल आपको सुनाई देगा और कुछ नहीं दे सकता है। बोलो आज बढ़िया बढ़िया खाना चाहते नहीं देगा, बढ़िया बढ़िया पहनना वो नहीं देगा, बढ़िया बढ़िया दुकान वकान कुछ नहीं देगा, केवल सोना ही सोना, थोड़ी आप सोना खाते रहोगे। लेकिन जो चिंतामणि, उससे जो मांगोगे वही मिलेगा। फिर चिंतामणि मिला तो फिर क्या करोगे? सब फेंक करके फिर हम चिंतामणि को ग्रहण करेंगे। बोले भैया वो चिंतामणि क्या है? बोले नाम चिंतामणि कृष्ण, बोले भगवान की जो नाम है ये चिंतामणि, जो मांगोगे तुम्हें वही मिलेगा, जो मांगोगे तुम्हें वही मिलेगा। लेकिन अभी प्रश्न है भैया हमें फिर मिल क्यों नहीं रहा है? ये भगवान के नाम से जो मांगोगे तो वही मिलेगा ना, लेकिन हमें मिल क्यों नहीं रहा है? बोले कारण है, जैसे नाम लेनी चाहिए हम वैसे नाम नहीं ले रहे। इसलिए शास्त्र में बताया 10 तरह का नाम अपराध है। अगर ये नाम अपराध को छोड़ करके अगर ये हरि नाम करोगे, जो मांगोगे वही मिलेगा। जैसे हनुमान जी, हनुमान जी का नाम सुने हो? कौन कौन नाम सुने हनुमान जी का? आप बताओ, हनुमान जी को हम जो कुछ मांगते हैं
रिद्धि सिद्धि वैभव हनुमान सब दे देते। क्या हनुमान ने कहीं थियेटर लगा कर रखे? नहीं, गोस्वामी जी कहते हैं सुमरी पवन सुत पावन नामो आपन बस कर राखे रामो। केवल उन्होंने प्रभु का नाम जप करते करते भगवान बस उतर दिया। शंकर जी से जो मांगो दो देते, क्या शंकर जी के फैक्ट्री लगा कर रखे? गोस्वामी जी कहते हैं महामंत्र जय जपत महेशा काशी मुक्ति हेतु उपदेश। शंकर जी दिन रात पंचमुखे राम नाम गाते मुरारे। माता जी को जो मांगो वही दे देती, कहां से लाती? कहीं फैक्ट्री लगा कर रखी? गोस्वामी जी कहते नहीं, बोले सहस्र नाम सुनी प्रिय वाली जपी जय संग प्रिय भवानी। केवल एक ही कारण है, माता जी के आठ हाथ में रखना एक हाथ में माला है। गणेश जी रिद्धि सिद्धि को देने वाले कहां से लाते हैं? गोस्वामी जी कहते हैं महिमा जासु जान गण राहु प्रथम पूजिय नाम प्रभाव। केवल नाम के प्रभाव से दुनिया को सब देते हैं, और नाम के प्रभाव से अग्र पूजा होती है। देखो एक समय ये 33 करोड़ देवता बैठे, बोले क्यों? बोले अग्र पूजा किसको होनी चाहिए, सबसे पहला पूजा किसकी हो? बोले ये ब्रह्मांड को जो परिक्रमा करके आ जाएगा उसको पहला पूजा होगी। इसलिए ब्रह्मा हंस वाहन लेकर के, कार्तिक मोर वाहन लेकर चल पड़े, सारा सबके सब वाहन ले गए। अब बताओ गणेश जी का वाहन कौन है? चूहा। अब ये चूहा को लेकर कहाँ जाए? इतने में नारद जी आए, बोले क्या बात? बोले ऐसे ऐसे, बोले एक काम करो, हरि से बड़ा हरि का नाम है भगवान कृष्ण, नहीं तो राम का नाम लिखो, 3 बार परिक्रमा कर लो। क्योंकि हरि से बड़ा हरि का नाम, भगवान का नाम है ठाकुर जी, और ठाकुर जी के अंदर में तो अनंत करोड़ ब्रह्मांड। 3-3 बार परिक्रमा कर लो, वो तो एक ब्रह्मांड को परिक्रमा करके पता नहीं कितने दिनों में आएंगे, तुम्हारी तो अनंत करोड़ ब्रह्मांड की परिक्रमा हो गई, जय जयकार हो गई, गणेश जी की जय जयकार हो गई। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं प्रथम पूज्य नाम प्रभाव, केवल नाम की प्रभाव से इनकी सबसे पहले पूजा होती है। इसलिए जो भगवान का नाम साधारण वस्तु नहीं, जगत में जिसको जितना प्रतिष्ठा है, जितना पूजा है, केवल एक कारण है जो जितने प्रभु का नाम बचत किया है। ध्रुव प्रह्लाद तुलसीदास मीराबाई, क्यों हमारे बाप का, बाप का तो कोई नाम नहीं ले रहे, हमारी मैया की, मैया का दुनिया में कोई नाम ले रहे, कोई नहीं पूछ रहे, लेकिन इनका नाम जगत में जय जय का। कारण क्या? ठाकुर जी की नाम को उन्होंने जप किया। इसलिए आज कोशिश करेंगे माला दे दो, इस माला को दे दो, सबके एक माला पकड़ा दो, एक एक हम माला जप करेंगे, ठीक है? सबके सब आंख बंद कर लेना, समझो ठाकुर जी की चरण में बैठ करके हम भगवान की माला जप कर रहे हैं। हाँ देखो मेरे तरफ में, एक बार देख लो माला कैसे जप कर दो, उसको जो माता है ठीक ठीक से जप नहीं कर रही थी, मेरे तरफ में देखो ठीक से ध्यान से माला कैसे जप करोगे। आप लोगों ने चैतन्य महाप्रभु का नाम सुने होंगे। एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने को भक्त लोगों ने निमंत्रण दिया, बोले प्रभु आज हमारे घर में आपका भोजन है। भगवान बोले देखो सबको घर में मैं खाना नहीं खाता हूँ। बोले किसको घर में खाते हो? बोले जो लखपति बनेगा, जो लखपति बनेगा उसको घर में खाना खाएंगे। बोले प्रभु हम तो कभी लखपति बन ही नहीं सकते, क्यों? आज से 5.5 साल पहले का बात। लखपति मतलब जिसको घर में 1 लाख स्वर्ण मोहर हो। बोले हमारे घर में 100 रुपया तक भी नहीं, इसका मतलब हमारे घर में आप खाना ही नहीं खाओगे। अरे भगवान समझाए, बोले जानते हो असली लखपति कौन? बोले कौन? बोले रोजाना जो 1 लाख हरि नाम करता है। इसलिए विदा कहती है ना, ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाओ गली गली, राम नाम के हीरेमती मैं बिखराओ गली गली। और जिन जिन ने यह मोती लूटे उसको माला माल हो गए, और माया के जो बने पुजारी आखिरी वो काका लगे। अब देखो मेरे तरफ में, अब लखपति कैसे बनोगे? कुछ दिन पहले टीवी में आता था अमिताभ बच्चन का नाम, जानते हो? आता था ना, क्या आता था? कौन बनेगा करोड़पति? कौन बनेगा? इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते कौन बनेगा लखपति? हाँ मेरे तरफ में देखो, देखो कैसे माला जप करोगे। ये अंगुल को हम इसमें लगाते नहीं, क्यों? ये अहंकार का प्रतीक, हम कहते ना तेरे को देख लेंगे, ये सबसे पहले ये निकलता है। इसलिए ये अंगुल को हम बाहर निकाल कर रखते हैं, ये बीच वाला अंगुल को ऊपर रखते हैं, रख कर ये सुमेरु, सुमेरु मतलब ये राधा कृष्ण का स्वरूप है। ये एक एक मोती नहीं, ये एक एक गोपी है, हैं? इसलिए जब माला जब करते हैं, जैसे हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 बोल करके एक मोती सरकाते, फिर दो बार बोल कर दो मोती, तीन बार बोल कर तीन मोती हैं। देखो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 16 बार हो गया एक माला में 16 बार। और इसमें 108 मोती हैं। जब यहाँ पर समाप्त हो जाए ये अंगुल को उसको पार नहीं करना, इसको पार नहीं करना, पार नहीं करके उसको घुमा देना, घुमा करके दूसरे तरफ से करनी चाहिए। अगर आपने इसको 16 राउंड कर लिया इधर से उधर हो गया 25,000, अगर आपने 64 राउंड कर लिया ना हो गया 1,00,000। भगवान कहते हैं तुमने 1,00,000 माला नहीं जप की, आज तुम्हारी नाम पर बैंक में 1,00,000 रुपया फिक्स डिपॉजिट हो गई। भगवान खुद कहते हैं, बोले भैया ब्याज कितना मिलेगी, बोले दिन दिन बढ़ता सब आयो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। आज अगर 1,00,000 करोगे ना कल तुम्हें 1,25,000 मिलेगी, और 4 दिन में ना 2,00,000, 4 दिन में माला ही माल। और उसको बाद में जब शरीर छूटेगा ना इसको ब्याज समेत, ये ऐसे के धन है जिसको पति लूटेगा पत्नी नहीं ले सकती है, जिसको पत्नी लूटेगी पति नहीं ले सकता है, जिसको बेटा लेगा तो पितामह का नहीं ले सकते। जो इसी जीवन में कमाएगा इसी जीवन में मालिक तो बनोगे, और अगली जीवन में पूरा के पूरा ब्याज समेत तुम्हें ये धन मिलेगी, ठीक है ना। इसलिए माला दे दो सब, दस एक माता को दे दो, इसको ले जाओ तो बांट दो सब। ये माला कोई लेना नहीं, इसको वापस दे देना मेरे को। खड़े हो जाओ, खड़े होकर सब हाथ में बोल रहा था। इधर देखो जब माला करोगे ना इसने मुंह बंद करके, माला करते समय मुंह खोल करके थोड़ी सी जोर जोर से करियो। क्यों? जैसे हम माला करेंगे, जैसे यहाँ पर हम कितने भक्त बैठे, 50-60 भक्त बैठे, लेकिन माला तो हम एक करेंगे लेकिन 60 माला करने का फल मिलेगा। क्यों? जब हम सबके सब हरिनाम करेंगे सभी की आवाज सबकी कान में जाएगा, सभी की आवाज सबकी कान में जाएगी। इसलिए माला तो एक करेंगे लेकिन 60 माला करने का हमें फल मिलेगी। इसलिए और जो माला नहीं करेगा, जो माला करेगा उसका सारे पाप तो उड़ जाएगी लेकिन ये पाप जाकर बैठेगा कहाँ पर? जो माला नहीं करेगा, जो हरि नाम नहीं करेंगे उसके सर पर पाप बैठेगा। इसलिए ऐसे नहीं कोई चुपचाप बैठो, सबके सब माला जप करो मेरे साथ में। और ये माला जप करने से पहले एक बार श्री कृष्ण मेरे साथ बोलो, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। भगवान कलयुग में ये पंच रूप में आकर के नाम उन्होंने प्रचार किया, इसलिए सबके सब मेरे साथ साथ बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक मोती सरकना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे जिनके
जिनकी माला पूरी हो गई है वो माला वापस कर देंगे, जिनकी दो चार पांच जाएगी तो अपना माला सब सब माला वापस कर दो, कोई लेना नहीं पाप ले लिया, जो लेना चाहते बाद में आओगे तुम, सब माला वापस ले दो, सब एक कटी करके ले आओ। बस श्रीमती राधा रानी की, बस श्री विश्वभानु राज नंदिनी की। हाँ देखो अभी राधा रानी आने वाली, राधा रानी तैयारी किया, राधा रानी तैयारी, हाँ ठीक है। हाँ देखो कुछ कुछ लोगों का कहना है, जैसे आप लोग वृंदावन में जाओ ना, देखना वृंदावन में सबके सब किसकी नाम लेते हैं, जोर से बोलो और जोर से, आप तो इतने राधे राधे बोलते रहते हो, लेकिन ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ में इसको ठीक से पूछ रहे हो भैया, इसको देख, इसलिए कहते आप इतने राधे राधे, इधर इधर दे दो माता जी, कहते आप तो इतने राधे राधे बोलते हो, फिर ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ में फिर ये राधा जी का नाम फिर क्यों नहीं दी गई है, कुछ कुछ लोगों का प्रश्न, अच्छे तरह से सुनो जी, पर ये भागवत ग्रंथ है क्या जी, पर जितने वेद पुराण उपनिषद का जो सार है ना, कहते ये श्रीमद् भागवत है, सारे शास्त्र को अगर मंथन करोगे अगर उसमें मक्खन निकलेगा तो ये श्रीमद् भागवत है, कि जब ये भागवत ग्रंथ सर्वश्रेष्ठ है, और देखो कृष्ण तो पाप पक्ष में कौन खड़ी है, कौन खड़ी है, कहते श्री राधा रानी खड़ी है, हैं? बोले जब इतने राधे राधे बोलते हो फिर भागवत में राधा जी का नाम क्यों नहीं, लेकिन हमारे गोस्वामी लोग महाप्रभु के भक्त लोग कहते हैं भैया भागवत में तो राधा जी का नाम के सिवाय और कुछ नहीं है, भागवत में तो केवल श्री राधा जी का नाम कुछ है ही नहीं, क्योंकि जो ग्रंथ है ये ग्रंथ का नाम क्या है, बोलो जो ग्रंथ कथा सुन रहे ग्रंथ का नाम क्या, इसका नाम क्या है, कहते श्रीमद् भागवतम, केवल भागवत नहीं कहते श्रीमद्, और श्रीमद् मतलब क्या, और श्री मतलब लक्ष्मी, कहते मूल लक्ष्मी कौन है, श्री राधा रानी, मद मतलब होता है प्रेम, पर ये भागवत नहीं ये राधा रानी का प्रेम है, हम कथा नहीं सुन रहे हैं, ये राधा रानी अपना प्रेम को लुटा रही हैं, हम राधा जी की कृष्ण प्रेम को लूट रहे हैं। एक उदाहरण दिए, बोले कोई एक सेठ था वो खूब पैसा कमाता है, सोना चांदी हीरे जवाहरात, लेकिन ये देता है किसको, बोले सेठानी को, वो सेठानी आलमीरा में सजा सजा कर रखती थी, एक दिन वो सेठानी पागली बन गई, पागली हो गई, जितनी हीरे जवाहरात था उसने लेकर के छत के ऊपर में गई और उसने लुटाना शुरू की, और जितने दुखी दरिद्र लोग थे उठाया हीरे जवाहरात सोने असरपियों को और माला माल हो गई, बोले भैया ये सेठ कौन है, बोले सावरिया सेठ कृष्णा, ये खूब धन लुटाता है, अपना भक्ति प्रेम को लुटाता है, लेकिन इसकी रखते जमा करते किसको पास में, सेठानी को पास में, वो सेठानी कौन है, राधा रानी, यही प्रेम की सेठानी है। एक दिन राधा रानी कृष्ण प्रेम में दीवानी बनी, और दीवानी बन करके वो छत को ऊपर में गई, और जितने कृष्ण प्रेम धन को उसने लुटाना शुरू की, और आप और हम जैसे कृष्ण प्रेम के जो भिखारी उन्होंने उठाए और माला माला हो गई, इसलिए हम कथा नहीं सुन रहे हैं, ये राधा रानी कृष्ण प्रेम को लुटा रही है, वो धन को हम लूट रहे हैं, सब माला माल हो रहे हो, बाद में देखोगे जब काफी खुलेगा ना माल ही माल मिलेगा वहां पर। अभी देखो प्रश्न है, फिर भागवत में राधा जी का नाम स्पष्ट रूप में क्यों नहीं, इसकी बड़े कारण है, मैं तीन चार ही कारण बताऊंगा, कल मैं आपसे सुनूंगा, देखूंगा मेरे को कौन बोल पाता है। पहला कारण बताए श्रीधर स्वामी कह रहे हैं, सबसे पहला टीकाकार कहते जब ये सुखदेव गोस्वामी एक बार केवल राधा रानी का नाम लेते थे, बोले सौर मार्षिक मूर्छा भवे, वो छह महीना तक बेहोश हो जाते थे, बोले अगर एक बार राधा का नाम लेकर छह महीना बेहोश हो गया, अभी सात दिन में पूरी कथा सुनाना, फिर कथा कैसे सुनाओ, इसलिए उन्होंने राधा जी का नाम उन्होंने नहीं लिया, पहला कारण। दूसरा कारण बताए भागवत बोलने से पहले राधा रानी से उन्होंने प्रार्थना की, बोले हे राधे आपका नाम को मैं किस रूप में ग्रहण करूं, राधा रानी का आदेश है मेरे नाम को कहीं स्पष्ट रूप में नहीं लेना, लेना तो छुपा कर लेना, हाँ छुपा कर, इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी बहुत सारी जगह में
राधा 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 बोले, लेकिन स्पष्ट रूप में उन्होंने नहीं बोले। कल हम इसको सुनेंगे कहां पर है, ये दूसरा कारण। तीसरा कारण है, आप लोग मेहंदी लगाते हो? कौन कौन लगाते हो हाथ में? लगाते हो मेहंदी पत्ता? देखे हो? बताओ तो मेहंदी पत्ता का रंग कैसे? हरा। क्या वो हरा है? नहीं, लाल। क्या है? लाल। लेकिन ऊपर इसमें क्या दिखती है? हरा हरा दिखती है। लेकिन इसको पीसो देखना तभी हरा हरा दिखेगी। लेकिन जब हाथ में लगा दो फिर कौन सा रंग हो जाता है? लाल। इतना लाल बन जाता है, महीना तक भी वो मेहंदी नहीं छूटती है। ऊपर में देखो कृष्ण 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 कृष्ण, लेकिन अंदर में देखोगे तो जहाँ कर क्या दिखेगी? क्योंकि आत्मा तो राधिका है, वो कृष्ण का आत्मा कौन है? श्री राधा रानी। इसलिए भागवत की कण कण में ही राधे राधे हैं, लेकिन दिखती नहीं। क्यों? पर इसको पीसो। पीसो मतलब क्या? साधन करो। जब साधन करोगे ना, देखोगे भागवत में राधा रानी के सिवाय और तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। यदि ये तीसरा कारण हो गया। चौथा कारण, कृष्ण भक्ति आसानी है। ऐसे कुछ संप्रदाय जो केवल कृष्ण भक्ति करते हैं, कृष्ण भक्ति आसानी। उदाहरण दिया, जैसे एक नदी, नदी का पानी सब पी सकते हैं, जानवर इंसान चिड़िया सब पी सकते हैं, लेकिन अगर कुएं में पानी होना सब नहीं पी सकते। कुएं का पानी कौन पी सकता है? जिसको पास में एक रस्सी कोई पात्र हो वही केवल कुएं का पानी पी सकता है। मतलब क्या है? बोले जो कृष्ण भक्ति एक बहती हुई नदी का पानी है, मतलब जिसका भजन सब कर सकते हैं। लेकिन जो राधा जी की भक्ति दुर्लभ है, नदी में गैया भी पानी पीते हैं, इंसान स्नान कर रहे हैं, कपड़ा धो रहे हैं, देखना सब बहते हुए जाती है, लेकिन कुएं का पानी देखोगे ना पवित्र ठंडा पानी देखोगे, हैं निर्मल पानी देखोगे। इसलिए कहते जो राधा रानी की, इसलिए बोले जो राधा जी की जो भक्ति है ये दुर्लभ भक्ति है। राधा जी की भक्ति कौन कर सकता है? कौन पी सकता पानी? जिसको पास में रस्सी कोई पात्र होना वही व्यक्ति ही ये पानी पी सकते हैं। मतलब है जब तक हम लोग किसी शुद्ध वैष्णव परंपरा में, जिस परंपरा में राधा रानी की भक्ति होती है, जब तक उसी परंपरा में नहीं जुड़ेंगे ना, हमें राधा रानी की भक्ति नहीं मिलेगी। राधा जी की भक्ति दुर्लभ है। कृष्ण भी कभी कभी राधा जी की चरण के लिए तरसते हैं। वृंदावन गए हो? और कौन गए हो? वहां पर सेवा कुंज देखना। सेवा कुंज क्यों नाम पड़ा? कृष्ण जहाँ राधा जी की चरण की सेवा की, इसलिए सेवा कुंज है। इसलिए कहते ब्रह्मेश्वराधि सुदूर अपकार कमल, जिनकी चरण कमल बड़ा दुर्लभ, श्री राधा जी की चरण कमल है। बोले श्रीमती राधा रानी की, बोले श्री वृषभान राज नंद की जय। अभी श्रीमती राधा रानी को तैयारी है ना? हाँ, एक मिनट देखो। श्री वृषभान महाराज के घर में एक मिनट खड़े हो। श्री वृषभानी महाराज के घर में एक बेटा, कौन है? बोले श्रीधाम भैया। लेकिन घर में कोई बेटी नहीं, इनके मन में इच्छा है घर में एक बेटी आए। अब देखना, बात मत करो, देखना घर में जब बेटी आए ना, सारा दुनिया कहते घर में लक्ष्मी आए, घर में लक्ष्मी आए। देखना कन्या के जब दान की जाती है, लक्ष्मी रूपा मान करके कन्या को दान देती, और कन्यादान सर्वश्रेष्ठ है, है? कन्यादान सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए वृषभानु महाराज सोच रहे घर में एक लाली होनी चाहिए। इनका नित्य नियम था, रोज ब्रह्म मुहूर्त में यमुना में नहाने जाते थे। जब नहाने के लिए गए, देखा एक सतदल कमल पुष्प के ऊपर में बड़ी सुंदरी एक प्यारी किशोरी किलकार मार कर लिए पानी में बहते बहते आ रही है। इतने में वृषभानु महाराज पानी में उतरे और श्री लाली लाल श्री राधा रानी को उन्होंने गोद में ले लिए। बोले श्रीमती राधा रानी की। जब उन्होंने श्री वृषभानु महाराज, एक मिनट, वृषभानु महाराज कीर्ति का सुंदरी को दिए, बोले कीर्ति दे, देखो ठाकुर की कितने कृपा है, हमें एक लाली की जगह, मेरे तरफ में देखो उधर मत देखो, हरे कृष्णा। इसलिए एक लाली ठाकुर ने दिया है। अभी नारद जी ने देखा कृष्ण तो गोकुल में आ गए, लेकिन कृष्ण कभी अकेले नहीं आते, कृष्ण अपना शक्ति श्री राधा जी को साथ में आते हैं। राधा रानी कहाँ? उन्होंने ढूंढते ढूंढते आए रावल में। वृषभानु महाराज से पूछे, बोले घर में कोई संतान भाई है? घर में कोई, यह सब जाओ
बोले घर में कोई संतान भई है तब उन्होंने श्रीधाम भैया को दिखाए, बोले घर में कोई लाली हुई कि नहीं, चुप हो गए, क्योंकि उनको यमुना नदी से मिली है। बोले हाँ एक लाली ली भाई, बोले लेकर के आओ ना, जब लाई देख करके पहचान गई, बोले यही तो भगवान की स्वरूप शक्ति, लादिनी शक्ति, पराशक्ति भगवान की है, यही सर्वशक्ति मति श्री राधा रानी। बोले इन्हीं को ही तो मैं ढूंढ रहा था, इन्होंने एक बहाना बनाए, बोले थोड़ा फूल लाओ, आपका बेटी को मैं आशीर्वाद दूंगा। जब विश्वभर महाराज अंदर में गए, इतने में स्वयं राधा रानी एकदम किशोरी बन करके प्रकट हो गई, सारे सखियां वहां पर प्रकट हो गई, और नारद जी बड़े सुंदर स्तुति करते हैं। ले आओ बोले मुनिन्द्र वृंदावन रीते त्रिलोक से Rajendra Bhagavandini Rajendra Sura Sangate Kadagare Sajiram Kripata Pacha Bhajana Asoka Vicha Vallare Vetanya Manda Pasite Ramana Manda 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 महाराज पूरा ब्रज में नौका दी, मेरे घर में लाली भाई सबके सब बधाई देने के लिए आओ, और सारे ब्रजवासी इकट्ठे होकर के राधा रानी को बधाई दे रही है। अभी प्रभु जी हरे कृष्ण एक दो बधाई हो जाए फिर कर दे। बाजू उठी मंगल से आई भोला आई रे बाकी रे We'll be right back.
Oh,
Thank you.
भोले भोले जय जय राधा कृष्ण जुगल मिलाना जय राधा कृष्ण जुगल मिलाना Hari Mana 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 Hari Mana